लोकसभा में निलंबन की बड़ी कार्रवाई हुई है। करीब बताया जा रहा है कि 40 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित किया गया है। हमारे साथ दानिश अली हैं, इनको भी आज सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आते हैं। दानिश जी, ऐसा सदन में क्या हुआ, आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई हो रही है? ये मोदी जी का नया भाग, इसमें पार्लियामेंट के अंदर गाली देने वाले अंदर बैठेंगे और सरकार से सवाल पूछने वाले सस्पेंड किए जाए। जिनके जो सांसद अपने पास पर इंट्रूडर्स को अंदर लाएंगे वो अंदर बैठेंगे और सरकार से सवाल पूछने वाले सस्पेंड किए जाएंगे। यही मोदी जी के नए भारत की कल्पना। अच्छा दानिश जी, एक तस्वीर आज सुबह भी दिखाई दी जिसमें कल्याण बनर्जी के साथ तमाम सांसद बैठे हुए थे, आप लोग भी साथ थे वहाँ पे, जो मिमिक्री कर रहे थे, कुछ नकल उतार रहे थे, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? विरोध प्रदर्शन का ये तरीका किस तरीके से संसद हो रहा, और क्यों ना ऐसा हो कि आप लोग सदन के अंदर ही रह करके अपनी बात को उठाएं? नहीं, जब सदन के अंदर तो रहने ही नहीं दे रहे। सदन के अंदर कहाँ रहने दे रहे हैं, सवाल कहाँ पूछने दे रहे हैं? सवाल पूछोगे तो बाहर जाओगे। गाली देने वाला रमेश भिदुड़ी अंदर बैठेगा, लेकिन सरकार से सवाल पूछने वाला दानिश अली बाहर जाएगा। अब अपने पास पर इंट्रूडर्स को अंदर लाने वाला प्रताप सिंह अंदर बैठेगा, लेकिन सरकार से सवाल पूछने वाला दानिश अली सस्पेंड किया जाएगा। अच्छा दानिश जी, एक आपके सवाल कि आप बहुत से ऐसे सांसद हैं जो अनिलंबित हुए, लंबी लिस्ट है, ऐसी स्ट्रेटजी आप लोगों ने कोई नहीं अपनाई कि सदन में रहना ज़रूरी है तो थोड़ा हंगामा ना हो, क्योंकि ये बात पहले ये जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है। सदन सरकार को चलाना है, वो वेल में कोई नहीं आया, ऑल पार्टी मीटिंग में वेल में कोई नहीं आएगा तो निलंबन क्या ऐसा? अच्छा हाँ, ये कब तय हुआ था कि बीजेपी का सांसद गाली देगा तो उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा? ये भी बता देना कब तय हुआ था। ये बता दीजिए कब तय हुआ था कि गाली देने वाला सांसद सस्पेंड नहीं होगा, ये बता दीजिए मुझे। उनकी भी गलती, आपकी भी गलती। नहीं नहीं, ये बता दीजिए ना मुझे कि ये तय हुआ था। अब आपका, अब आप लोगों की रणनीति क्या है आगे की? रणनीति तय की जाएगी, बताई जाएगी। ठीक है, तो यूपी से आते हैं, अमरोहा से दानिश अली, इनका भी निलंबन हुआ है, और अपनी बात कहते हुए कि जिन लोगों ने, इनका आरोप है कि बीजेपी के जो सांसद जिनके परमिशन पे, जिसकी चिट्ठी पे इंट्रोड्यूस अंदर आए, वो अंदर बैठे हुए हैं। रमेश भिदुड़ी ने जो अपशब्द कहे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस तरह की बात वो लगातार उठा रहे हैं। तो यही नहीं, तमाम सांसद उठा रहे हैं विपक्ष के, उन्हीं में अमरोहा से सांसद दानिश अली भी हैं। इनकी भी यही मांग है कि इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। तो जो आज कार्रवाई निलंबन की हुई है, तो इस तरीके से तमाम विपक्षी दलों का निलंबन हुआ है। और अपनी बात रखते हुए दानिश अली ने यही बात कहा कि सरकार विपक्ष मुक्त सदन चलाना चाहती है। शानदेव, 24 दिल्ली।